हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं अपने मोबाइल से। ये चीज़ अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र में आप टाइप कर देंगे बेरोजगारी भत्ता सी जी या बेरोजगारी भत्ता डॉट कॉम, ऐसे डायरेक्ट टाइप करेंगे तो सबसे पहले भी आ जाएगा बेरोजगारी भत्ता डॉट सी जी डॉट एन आई सी डॉट इन। तो ऊपर कहीं क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको एक नया खाता बना लेना है। नया खाता बनाने के लिए नया खाता बनाने पर क्लिक कर दें यहाँ पर, फिर अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर दें, कोई सा भी नंबर आप इंटर कर दें, फिर ओ टी पी भेजे पर क्लिक कर दें, फिर एक ओ टी पी आ जाएगा अपने मोबाइल नंबर पर, वो 4 अंक का होगा, उसको यहाँ पे इंटर कर दें। इंटर करने के बाद जो है ओटीपी को सत्यापित करें, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर आपको एक ईमेल आईडी डालने का आएगा, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी ही डालें। यहाँ पे ईमेल आईडी को इंटर करने के बाद जो है ईमेल आईडी को अच्छे से डालें, क्योंकि ये इसमें आपका ईमेल आईडी सत्यापित रहेगा और खुद का ही ईमेल आईडी इसमें टाइप करना चाहिए, तो खुद का ईमेल आईडी यहाँ पे डालें। उसके बाद जो है यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। जैसे किसी का नाम रहेगा मोहन, उसके फर्स्ट लेटर को जो है कैपिटल लेटर में टाइप करना है, एम को, फिर एम ओ एच ए एन, ऐसे उसको एम को कैपिटल लेटर में, बाकी का स्मॉल लेटर में, फिर एट द रेट कोई सा भी 1 2 3 4 ऐसे डाल सकते हैं। तो कम से कम 8 अंक का होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्मॉल लेटर, फिर कोई अंक होना चाहिए, कोई स्पेशल करेक्टर। फिर यहाँ पे दोबारा जो है पासवर्ड डालने का आएगा, तो पुनः यहाँ पे पासवर्ड डाल दें। उसके बाद जो है यहाँ पे सेव करें, यहाँ पे क्लिक कर देना है। सबसे नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है, सेव करें पे क्लिक करने के बाद जो है आपका बेरोजगारी भत्ता आवेदन के लिए पंजीकृत नंबर और पासवर्ड प्रविष्ट करके लॉगिन करें, मतलब यहाँ पे आपका बेरोजगारी भत्ता का प्रोफाइल यहाँ पे बन गया है। तो आपका जो है आईडी और पासवर्ड बन गया है, तो इससे जो है आप लॉगिन करके आप बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है ऊपर, और यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का साइन दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का उसमें दिख रहा है लॉगिन, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर का डालने का है यहाँ पे ऊपर में, तो यहाँ पे अपना जो भी लॉगिन बनाते समय, प्रोफाइल बनाते समय मोबाइल नंबर डाले थे, उसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे पासवर्ड, जो भी पासवर्ड बनाया है आपने, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे नीचे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल खुल जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होने लगेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आपका शो होने लगेगा। यहाँ सबसे ऊपर में दिया है आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में नाम प्रविष्ट करने को दिया है। तो सबसे पहले तो आप अपना आधार कार्ड के अनुसार जो है अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पर आधार कार्ड का नंबर जो है यहाँ पे इंटर करना है। तो चलिए हम अपना नाम इंटर कर लेते हैं, कोई सा भी नाम इंटर करना है, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में इंटर करना होगा आपको, स्मॉल लेटर में भी कर सकते हैं, पर फिर भी हम कैपिटल लेटर में जो है अपना नाम इंटर कर रहे हैं, कैपिटल लेटर में रहेगा तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे अपना नाम जो है कैपिटल लेटर में, पूरा जो भी नाम है आप टाइटल पूरा एंटर कर दें यहाँ पे आधार कार्ड के अनुसार। अगर आधार कार्ड में टाइटल नहीं है तो केवल नाम केवल एंटर करना है, मतलब जैसा आधार कार्ड में दिया है उसे ही वैसे ही नाम यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाइड होता है। उसके बाद नीचे जो है आधार कार्ड का नंबर जो है इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक चेकबॉक्स आएगा, मैं अपना आधार कार्ड नंबर जमा करना चाहता हूँ, इस टाइप से नीचे लिखा रहेगा, उसको टिक कर देना है। क्लिक करके जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं अपना आधार कार्ड नंबर प्रस्तुत जमा करना चाहती हूँ, स्वेच्छा से सहमति देते हूँ, इस प्रकार से आएगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर सत्यापित पे क्लिक हो जाएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का एक टिक का निशान आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड, डाटाबेस यहाँ पे सत्यापित हो चुका है। उसके बाद नीचे क्लिक कर देना है, फिर ओके। यहाँ पे आपका बेरोजगारी भत्ता, आपका प्रोफाइल सुरक्षित हो गया, कृपया बेरोजगारी भत्ता में आवेदन करें, ऐसा कुछ लिखा है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है ऊपर में, 3 लाइन दिखा है लेफ्ट साइड में, ऊपर में लेफ्ट साइड का 3 डॉट यहाँ पर दिख रहा है, उसको क्लिक कर देना है। फिर आपको दिखाएगा सबसे पहले तो ऊपर में डैशबोर्ड, मतलब आपका डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद आवेदन करें यहाँ पे क्लिक कर देना है। सेकंड में जैसा जैसे क्रम दिया है वैसे वैसे क्लिक करते जाना है। सबसे पहले आवेदन करना है, आवेदन डाउनलोड करें पे क्लिक करना है, फिर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, रोजगार की स्थिति आवेदन करें उसमें देख सकते हैं, फिर अपील, अगर आपका क्या कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो पिता या पति का नाम यहाँ पर नाम इंटर करना है। यहाँ पर आप इंग्लिश में टाइप कर लें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर जन्मतिथि सेकेंड में, थर्ड में लिंग आप पुरुष हैं कि महिला, वो क्लिक कर दें। यहाँ पे वैवाहिक स्थिति क्लिक कर दें, और यहाँ पे जाति चुन ले, यहाँ पे अपना दिव्यांग, अगर आप विकलांग हैं तो आप रोजगार पंजीयन, रोजगार पंजीयन में क्या है उसको देखना है, परिवार का वार्षिक आय, उच्चतम योग्यता है आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर जिला चुनना है, यहाँ पर पता आपका क्या भी कौन सा पता, निवास में जैसा पता है वैसा यहाँ पर टाइप कर देना है, वहाँ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जिला चुन लेना है, ग्राम से आते हैं या शहर से उसको चुन लेना है, नगर निगम, ग्राम पंचायत, वैसा क्या क्या आता है, ग्राम पता, यहाँ पूर्ण पता अपना निवास के अनुसार ही भरना है, यहाँ पर पिन कोड डाल देना है अपना पूरा निवास के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे बैंक का डिटेल डालना है, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, खाता नंबर, और खाता नंबर को पुनः दर्ज करना है। उसके बाद दस्तावेज़ क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा आपको बता देते हैं। यहाँ पे दस्तावेज़ अपलोड करें पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक फ़ोटो 500 KB का बना लेना है, 500 या उससे कम का, वो जो है JPG साइज़ में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद जो है रोजगार पंजीयन का एक
आपका हो गया 2 साल पुराना, उसका जो है पीडीएफ बना लेना है कोई सा भी ऐप में, ऐप से मतलब फ़ोटो खींच लेना है, फिर उसको पीडीएफ बना लेना है, वो भी 500 KB का या उससे कम का ही होना चाहिए, मतलब उससे अधिक नहीं होना चाहिए, एक पेज का रहता है मतलब 500 KB का, उससे कम का यहाँ पर अपलोड कर लेना है। बाकी अदर डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ में ही अपलोड होना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र डाल देना है, पिछले 6 माह के भीतर जो बना हुआ है वो आय प्रमाण पत्र डाल देना है पीडीएफ फॉर्म में। ये भी 10वीं का फॉर्म डालना है, वो भी पीडीएफ फॉर्म में 500 KB का। फिर 12वीं का जो जो मांगा है उसको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसके अनुसार जो है अपलोड करना है। यहाँ पे 12वीं का भी 500 KB का पीडीएफ अपलोड कर देना है। फिर जो है यहाँ पे बीच में आपको अगर बेरोजगारी भत्ता मिलता है, उसके बीच में अगर आपको कोई सा भी कोर्स करना है तो यहाँ पे अधिकतम 3 सेलेक्ट कर लेना है, 3 से कोर्स, जैसे कि सरकार द्वारा कोई से भी कौशल विकास का कोर्स वैसा लॉन्च करता है आपको बुलाता है तो ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता ये कट जाएगा। और अगर कर लेते हैं फिर भी आपको कटेगा, सरकार जाने क्या कर रही थी, तो यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लेना है कोई सा भी कौशल विकास करना चाहते हैं उसको। फिर आवेदक द्वारा एक घोषणा पत्र यहाँ पे दिखाएगा, इसे आप पढ़ सकते हैं या तो फिर स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्किप कर लें, इसको ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, परिवार, परिवार मतलब परिवार से तात्पर्य जो है माता पिता या आश्रित बच्चे से हैं, मतलब भाई लोग अगर नौकरी कर रहे हैं या तो फिर कोई अदर नौकरी कर रहा है तो भी चलेगा, जिसमें परिवार मतलब माता पिता का नौकरी नहीं होना चाहिए बस, या आश्रित बच्चे या पति पत्नी मतलब वो 10,000 या फिर उससे पेंशन नहीं होना चाहिए या फिर नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, मैं घोषणा करती हूँ ऐसा, उसके बाद जो है फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर जो है आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और जो है आपका आवेदन भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आवेदन होने के बाद जो है यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डाउनलोड की आवेदन डाउनलोड करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है आवेदन डाउनलोड हो जाएगा। उसको प्रिंट फॉर्म में अपने पास रख लें, क्योंकि ये सत्यापन करते समय इसको आप मांगेंगे, आप देख इसको सत्यापन करते समय अपने रोजगार जिला रोजगार नगर निगम में जो है यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ इसका वो कर सकते हैं। फिर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, रोजगार पंजीयन की स्थिति, फिर अपील, यहाँ पर जो भी आपको अलॉटमेंट होगा किस दिन आपको पंजीयन मतलब कि क्या कब थी वो कराना है, मतलब कब सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पे यहीं पे भी पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड में ही पता चल जाएगा आवेदन की स्थिति में। तो यहीं से पूरा लॉगिन करके पता करें कब आपका सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।